गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सौ विचार से, जो है, दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। अर्थात यदि आप अपने लिए या अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको दुनिया को नहीं बदलना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अपने आप को बदलना है। अपने आप में दूसरों के लिए जो बुरा हम सोचते हैं किसी के लिए, या हमारे अंदर कभी बुराई आ जाती है बुरा सोचने के लिए, तो हमें उसे क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके पहले हम महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य संपदा, यह एक पाठ पढ़ रहे थे जिसमें वो अपने मित्र को क्या कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे। तो बच्चों उसमें मैंने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी जी का निधन कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पिक्चर है ये है नाथूराम जी गोडसे का, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी। देखिए उस दिन, जैसे आपको शायद बच्चों ने बताया था कि अंग्रेज़ों ने, ऐसा नहीं था बच्चों, वह अंग्रेज़ों ने नहीं मारी थी, वो इन्होंने नाथूराम जी गोडसे ने मारी थी। अब चलिए शुरुआत कर रही हूँ मैं हमारे पाठ की, जिसमें वह गांधी जी अपने मित्र जमनालाल जी को पत्र लिख रहे हैं, और पत्र में क्या लिख रहे हैं चलिए देखिए। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ, मतलब मैं अब उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन दिवस पर तुम्हें मिले। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं ना बच्चों, वैसे ही वह भी कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम चाहे वो तुम्हें मिल जाए। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। अब जो भी तुमने अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ मुझे बताई है और उसके लिए जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसमें स्वयं में दृढ़ हूँ, दृढ़ मतलब पक्का हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। देखिए जैसे हम अपने दोस्तों को भी बोलते हैं ना कि अगर हमारे मम्मी पापा ही हमको बोलते हैं खाना खा लेना, तो आप क्या कहते हो, हाँ मैं खा लूँगा, पर अगर हाँ मुझे पता है तुम खा लोगे, पर मुझे यह भी पता है कि तुम नहीं खाओगे, तो याद से पक्का खा लेना। तो जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, वैसे भी उनकी बचपन की या कुछ उनकी यादें जुड़ी होगी जिसके कारण वो ऐसा शब्द उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने पैसों से अगर भोजन के लिए खर्च करने से बच जाओ तो मैं उसमें कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझ कर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अमानत अर्थात धरोहर, और रक्षक मतलब हम, हमारी रक्षा करने वाला कौन है, हम स्वयं रक्षक है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखती। यह क्या है ना कि वो ऐसा कह रहे हैं कि भले आपको मिठाई खानी है, आप मिठाई खा रहे हो, पर अगर उससे महंगी से महंगी दवाई आपको मिल रही है तो आप दवाई लो पहले, मिठाई आप बाद में खाओ। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। मतलब कि देखो बच्चों, आप मिठाई तो बाद में भी खा लोगे, पर आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो पहले आप स्वस्थ रहो, बाद में आप मिठाई खा लेना, उसके लिए आपको महंगी से महंगी दवाई भी क्यों ना लेनी पड़े। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए, और ऐसी अगर रही तो अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिला तो आप उसे भी करना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको जितना खाना, आप जैसे शादियों में हम जाते हैं बच्चों, हमको हमारी कोई पसंदीदा चीज़ दिख जाती है तो हम क्या करते हैं, खाते जाते हैं और बहुत सारा प्लेट में लेके उसको फेंक देते हैं। तो यही दिया है उन्होंने कि मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते उतने खाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको जितना लगे उतना ही खाओ, एकदम ज़्यादा जाने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ तो बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ, मतलब गुड़ क्या है, आप बिल्कुल छोड़ दो, गुड़ खाना ही छोड़ दो, तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। मतलब गुड़ की अपेक्षा आप शहद खाओ जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है और वो किसी भी प्रकार से आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। निर्दोष मतलब क्या है बच्चों, दोष रहित, मतलब उसका कुछ भी दोष नहीं है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, मतलब दूध पीना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है, मक्खन खाना ठीक है,
मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, मतलब जो विटामिन आपको मक्खन में मिलते हैं बटर उससे, वह बहुत आपके लिए अच्छे हैं। साथ में इस हरी सब्जियां होनी चाहिए, तो हमारे मम्मी पापा भी हमको कहते हैं कि हरी सब्ज़ी खानी चाहिए जिससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है और वो हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इसमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होंगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएंगी। बच्चों देखो, स्टार्च होता है ना एक, मतलब उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम होनी चाहिए, वो एक तरफ का फैट जैसा कुछ होता है, पर उसके लिए क्या करना होता है कि मतलब वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो भी हमको हानि देता है, तो कम से कम लेना ज़रूरी हो। और अगर आप आलू नहीं भी खाते तो वो गेहूँ जो है वो उसकी जगह पूरी कर लेता है। मक्खन दूध काफ़ी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है, वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए, मतलब जब तक बैलेंस ना हो जाए, आपका वेट बढ़ना भी रुक ना जाए और आप वो डाइजेशन भी अच्छा ना हो जाए, तब तक उसकी मात्रा बढ़ाते रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं सबके लिए नहीं कर रही, वो अपने दोस्त को जानते थे, उनके दोस्त ने उनको अपनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी बताई थी और जिसके लिए वो उन्हें सुझाव दे रहे हैं। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी है, हरी सब्जियों में होती है, मतलब वही है कि सब्जियां खानी चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। कई बार बच्चों देखो, इसे गेहूं के आटे को अगर छाने ना तो उसमें से थोड़ा से ब्राउन ब्राउन निकलता है, वो चोकर होता है, तो उसे निकालना नहीं है, उसके साथ ही आप आटा खाओ, रोटी खाओ। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, मतलब अगर गेहूं आपने साफ करके पीसा है तो आपको कुछ भी उसमें से उसको ना छानने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि अगर आप छानोगे तो उसमें से जो पौष्टिक उसका चोकर है वो निकल जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। अब वो उनकी बीमारी के हिसाब से फल उन्हें बता रहा है कि कौन कौन से फल लेने चाहिए। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उनसे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, एक साथ पूरा खा नहीं लेना चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, मतलब आप ऐसे बोलोगे कि मैं फल भी खा लेता हूँ, मैं सब्ज़ी भी खा लेता हूँ, मैं दाल भी खा लेता हूँ, मैं चावल, ऐसा नहीं है। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, मतलब जब आपको अच्छे से भूख लगे तब आप खाना खाओ। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी है, इसीलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए, मतलब जैसे ही आप उठते हो, ब्रश करते हो, भूखे पेट आपको सबसे पहले एक फल खाना चाहिए, ऐसे अंग्रेजी में कहावत भी है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो, वो उनसे प्रश्न पूछ रहा है पत्र के द्वारा ही। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं है, मतलब आपको पीना ही चाहिए, तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी, तो क्या है, अगर आपको 24 घंटे शुद्ध हवा, जैसे आजकल तो शुद्ध हवा मिलती नहीं है, पर अगर आपको यदि ऐसा मिले कि आपको शुद्ध हवा लेनी चाहिए तो ज़रूर लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। अब क्या है, जो प्राणायाम करना यह भी बहुत अच्छा है, पर अपनी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करो। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर पर कान में कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। बच्चे ये आपको, मेरे पास इमेज नहीं है, मैं बस चार लाइन ही इसलिए समझा दे रही हूँ कि अगर आप ठंड भी है तो ब्लैंकेट अपने कंधे तक ओढ़ लो और ऊपर अपने कान में स्कार्फ बांध लो तो अच्छा है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए यह अति आवश्यक है, मतलब शुद्ध हवा लो। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखो, मतलब यदि सहन हो सकती है तो अपने शरीर को जितना खुला हवा में छोड़ दो खुला रखो। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे, मतलब अभी वो अपने दोस्तों के बारे में पूछ रहे हैं और बता रहे हैं और नीचे लिखा है बापू का आशीर्वाद। तो यह क्या है बच्चों, गांधी जी द्वारा अपने मित्र को पत्र लिखा गया है। कौन है उनके मित्र, जमुना लाल जी, और उन्होंने उनके स्वास्थ्य संबंधी उन्हें कुछ उपाय दिए हैं, सुझाव दिए हैं। बच्चों
या आप एक बार अच्छे से रीड कर लोगे, रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर से, और आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, और अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसे अंडरलाइन करके रखिए। मैं जब हमारी लाइव क्लास होंगी तो आप ये डिफ़िकल्टीज मुझसे पूछोगे तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद।